For somebody like me. About you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एस एटीन राइडर पे। तो कैसे हो आप लोग? तो शायद आप लोग अच्छा नहीं होंगे कि मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो ऐसे क्यों सोच रहे हो? तो आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में गिर गया था, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। और नया कलेक्शन लेकर आया ड्यूक 250, देख सकते हो फुल्ली रैप कर रहा है और मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ है। और एक दोस्त का बाइक था ये मेरा, तो उससे मैंने ले लिया। तो इधर में जो भीड़ देखा है भाई, एक इंसान मर गया कल भाई, उसका स्पॉट डेड हो गया भाई। इसलिए मेरा भी मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाऊँ, तो कुछ दिन से ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहा था। तो सब लोग कमेंट कर रहा था कि भाई एक ब्लॉग दो, भाई एक ब्लॉग दो। तो आगे हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ, तो बने रहना इस ब्लॉग में और लास्ट तक देखना। और सामने जाके आप लोग को मेरा ये बाइक ड्यूक 250 क्या क्या मॉडिफिकेशन वगैरह किया है सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो चलो चलते हैं, थोड़ा रश करते हैं। ये बाइक थोड़ा खराब हुआ था ना, साउंड सुनो। इसके लिए प्लीज एक लाइक कर देना भाई। गजब की साउंड करता है भाई। थोड़ा सामने जाते हैं और आप लोग को ये बाइक दिखाते हैं गाइस, क्या बताए भाई, गजब इस बाइक में। और फुल्ली रैपिंग किया है भाई, क्या बताए भाई, मुझे तो अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है भाई। तो थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग को तो पता चल गया क्या वीडियो होने वाला है। तो इस बाइक के टॉपिक में आज कुछ सब कुछ बताने वाला है डिटेल में। तो चलो भाई, खाली रोड भी नहीं मिल रहा है, रुक के कुछ बोलू कुछ भी जगह नहीं मिल रहा है, कहाँ बोलू। घर में बहुत भीड़ है, भीड़ में ऐसे ब्लॉगिंग करके तो मजा ही नहीं ना, थोड़ा खाली जगह पे बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो खाली जगह नहीं मिल रहा है भाई, कहाँ रुके, और थोड़ा धूप भी है ना, छाव में बनाना पड़ेगा, देखते हैं ना भाई। इस फील्ड में रुकते हैं, फील्ड में रुक के आप लोग को दिखाते हैं ये बाइक कैसा है, और बाइक का सिनेमेटिक शॉट वगैरह देख के जाना भाई, गजब का सिनेमेटिक शॉट होने वाला है आज फुल्ली। तो लेफ्ट साइड देखते हैं और बाइक चलाते हैं हम लोग, इधर में बातें करते हैं ना बाइक को इधर में रख के। इधर में छाव भी है देख सकते हो, तो इधर में रखते हैं। ये डाउन होता है भाई, थोड़ा पीछे करो। पीछे 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 पीछे, बस हो गया, इधर में रखते हैं भाई, इधर में गिरेगा तो नहीं। चल चल इसको रखते हैं भाई, इसको रखेंगे भाई अभी।
बाइक को भी देख सकते हो क्या क्या मॉडिफिकेशन किया आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो चेक कर सकते हो कैसा लग रहा है। तो पहले आप लोग देख लो, चारों तरफ से देख लो भाई, देख लो गजब की मॉडिफिकेशन किया है। मेरा दोस्त का बाइक है, मैंने भी सोचा कि एक ब्लॉग बना लूँ इस बाइक में। तो बाइक का बहुत रन हो चुका है और यह बाइक फुल्ली डेड हो चुका है, ज़्यादा भागता भी नहीं क्योंकि कुछ खराबी की वजह से ऐसा होता है भाई। कुछ नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाइक का लुक से मैटर करता है सब लोग को। तो जहाँ पे जाने से, कहाँ पे जाने से, दो लोग देखने से बोलेगा बाइक का लुक अच्छा है। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है तो सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो सब कुछ लगाया है भाई, और एक्सक्री किट वगैरह, एक्सक्री किट देख सकते हो ऑनलाइन से ऑर्डर करके इसको लगाया, उसके बाद रैपिंग वगैरह सब कुछ किया। तो लाइट वगैरह नया लगा दिया, इसको ब्लैक कर दिया, और इधर में दो लाइट है, इससे काम चलता है रात में। और इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया था, एग्जॉस्ट वगैरह था तो उसको खोल दिया, क्योंकि हम लोग का उधर का पुलिस वगैरह सब कुछ रिपोर्ट कर रहा था, इस वजह से इसको खोल दिया। तो चलो चलते हैं और फेस में मिलते हैं डायरेक्ट ना, क्या बोलते हो गाइस? तो भाई क्या बताए, गजब सीन है भाई, क्या मॉडिफिकेशन किया भाई, फुल्ली रैप किया है भाई। जिसको भी करना है भाई कॉन्टेक्ट करो, आप लोग को भी कर सकते हैं ऐसे, आपका ड्यूक 250 वगैरह सब कुछ कर सकते हो ऐसे मॉडिफिकेशन वगैरह। तो इधर में एक फील है, देख सकते हो इस फील्ड में हम लोग घूम चुके हैं अभी। तो इस फील्ड में अभी हम लोग बाइक को दिखा रहा है, तो आप लोग को ये रिव्यू वीडियो कैसा लगा तो अच्छा लगेगा आप लोग को ये मॉडिफिकेशन वगैरह। तो जिसको भी करना है भाई जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी है, उधर में जाके मुझे फॉलो करो, और ये रहा इधर में मेरा इंस्टा आईडी है, तो उधर में फॉलो करो, जल्दी से फॉलो करके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ऐसा मॉडिफिकेशन ले सकते हो भाई। एक्सक्री किट वगैरह सब कुछ मिलने वाला है मेरे पास है, तो कुछ भी टेंशन नहीं, मैं ऑर्डर करके दूंगा और सब कुछ लेकर आके तुम्हें दूंगा, को कुछ भी टेंशन नहीं है। तो देखो बाइक और चलो चलते हैं, और थोड़ा सिनेमेटिक को एंजॉय करें और लास्ट तक देखना इस ब्लॉग को। चलो सिनेमेटिक शॉट कमेंट करके जरूर बताना, और तुम लोग बाइक का साउंड सुनना चाहते हो तो साउंड सुनाते हैं आप लोग को। चलो चलते हैं और साउंड सुनाते हैं, और कैमरा को पकड़ो ना थोड़ा ऐसे, तो साउंड सुनाते हैं आप लोग को, बहुत अच्छा लगेगा ये साउंड। तो मेरे बाइक से भी अच्छा साउंड है इसका बाइक में, तो मज़ेदार साउंड है। तो स्टार्ट करते हैं और साउंड सुनाते हैं आप लोग को। देखो फायर मारता है, सुना है आप लोग को कैसे साउंड कर रहा है, बहुत मस्त साउंड है भाई, क्या बताएं, मेरे बाइक से भी गजब साउंड है इसका। तो कहा इसका फ्यूल भी ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा साउंड कम मार रहा है, ज़्यादा फ्यूल होने से तो साउंड और ज़बरदस्त होने वाला है, क्या बताएं भाई, गजब ही साउंड है, गजब बाइक है भाई, मैं ही बोल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच लाइफ इन आसाम, तुम्हारा बाइक लेके हम लोग को भी अच्छा लगा। तो पहले थोड़ा बुरा लगा, फिर इसके लिए हम लोग के टाइम में हम लोग लेके जब घर पे ही पहुंचा नहीं, तुम्हारा बाइक ख़राब हो गया था, तो इस वजह से हम लोग को बहुत बुरा लगा था, बहुत खर्चा हो गया, मैक्सिमम 20,000-30,000 खर्च हो गया। तो हम लोग अभी फिर से इसको ठीक कर लिया, तो तुम्हारा डेविल है तो देख लो तुम्हारा डेविल, आप वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा डेविल को देखो भाई, इधर में तुम्हारा डेविल है। तो कैसा लगा आपको ये बाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरा एक नया कलेक्शन है, मेरा दोस्त का टीम के, मेरा एक टीम है ना, फैमिली है ना, उधर में एक नया कलेक्शन है ये भी। बहुत दिन हो गया ये बाइक लिया है, मैंने भी सोचा कि एक ब्लॉग बना दूं, तो आप लोग को शेयर किया कि ये बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ है। और मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है, बहुत दिन के बाद ब्लॉग में आ रहा हूँ ना, तो आप लोग सोच रहे हो इतना धीरे धीरे ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। तो आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में गिर गया था, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो इधर में आके थोड़ा ब्लॉग वगैरह शूट किया तुम लोग को, बहुत दिन से मैं नहीं था ब्लॉग में, आप लोग सोच रहे थे मैं मर गया था, गाइस मैं मर नहीं गया, मैं जिंदा हूँ अभी भी,
मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसलिए फिर से आ गए हम लोग ब्लॉग में। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर और अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ मैं। तो कल एक NX का ब्लॉग आने वाला है, नया NX फुल मॉडिफिकेशन करने वाला। तो मेरा वीडियो अभी मेरा चैनल पे खाली मॉडिफिकेशन वगैरह आएगा, तो मेरा हस्क बनना उसको सेल भी करना है, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे भी। अभी ड्यूक 390 लेना है जल्दी। पापा को भी बोला था, पापा ऐसा मेरा हस्त बनना बेचना है, तो पापा ने बोला कि बेच के तुम कुछ पैसा इकट्ठा करो और कुछ हम दे देंगे, 390 ले लेना। तो मेरा पापा भी मुझे सपोर्ट करता है, इस बात से मुझे अच्छा लगता है। पापा लोग ऐसे सपोर्ट करने से खुद को भी अच्छा लगता है, ब्लॉग वगैरह बनाने से पापा भी सपोर्ट करता है कि बेटा कर, बोलता है बेटा करो, एक दिन फल मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं रोज ब्लॉग वगैरह नहीं आ सकता, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं कुछ दिन बाद मैं रोज़ ब्लॉग अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरा बिजनेस भी संभालना पड़ता है, पैसे की भी बात है। तो सॉरी गाइस, क्योंकि आज मेरा थोड़ा ना बातें अटक रहा है, तो इससे आप लोग बुरा मत मानना। तो चलो चलते हैं, थोड़ा रश करते हैं, और कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। चलो 16 ट्रैक आ गया भाई। इस बाइक में कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरा बाइक नहीं, ना हैंडल बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए तो देखो इधर का रिएक्शन देखा। तो इधर पे भीड़ देख सकते हो, भीड़ लाइन अप कार की लाइन अप भाई, और इधर में एक इंसान मर गया ना, इसलिए लोग भीड़ इकट्ठा कर रहा है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना भूलना मत, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और लव यू ऑल।